हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड ग्रुप, ब्लॉक्स एंड पीरियड्स। सो इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट आर द मैजिक नंबर टू फाइंड एटमिक नंबर ईजली। सो इस लेक्चर में हम लोग मैजिक नंबर के बारे में देखेंगे कि मैजिक नंबर क्या होते हैं, जिससे हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का कितना एटमिक नंबर होता है ये पता कर सकें। तो उसके लिए आप लोग ये सबसे पहले एक नोट्स बना लें अपने पास जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं आ जाऊँगा सीधे पीरियोडिक टेबल लेकर के अपना समझाने। देखिए, ग्रुप फर्स्ट के लिए क्या है, ग्रुप फर्स्ट के लिए 288 18 18 32, बस ऐसे अभी आप लिखिए। अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ग्रुप टू के लिए, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ग्रुप वन क्या होता है, अल्कली मेटल, जिसमें क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप टू में कौन सा आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे आते हैं। ग्रुप थ्री में कौन से आते हैं, ग्रुप थ्री डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, जिसमें हमारा स्कैंडियम, येट्रियम एंड लैंथनम से ल्यूटेटियम तक आता है और एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक आता है। ओके, तो उसके लिए मैजिक नंबर क्या है, 18 18 32। ग्रुप 4 टू 12 क्या है, ग्रुप 4 टू 12 हमारे पास मैजिक नंबर है 18 32 32, और ग्रुप 13 टू 17 मतलब इस जो पांच ग्रुप है इसके लिए हमारे पास कॉमन मैजिक नंबर है 8 18 18 32, और ग्रुप 18 के लिए 8 8 18 18 32। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, एटमिक नंबर हम याद कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, ग्रुप वन के लिए आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए ताकि मैं पीरियोडिक टेबल जब दिखाऊं तो उसमें आसानी से आपको ये समझ में आ सके। 288 18 18 32, ये क्या है, हमारे पास मैजिक नंबर है। अगर ये याद है तो हमें ऊपर वाले एलिमेंट का सिर्फ एक हमको एटॉमिक नंबर याद रहेगा और बाकी को हम आसानी से याद कर लेंगे इस नंबर के हेल्प से। सो हमारे पास क्या है, ग्रुप वन क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है। ग्रुप वन कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो ग्रुप वन में हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना होता है, 1, और हमारे पास मैजिक नंबर क्या है फर्स्ट ग्रुप के लिए, 288 18 18 32, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। किसी ने ग्रुप वाइज इस एलिमेंट को अगर याद कर लिया तो इसका एटमिक नंबर इस मैजिक नंबर के हेल्प से आसानी से उसको याद हो जाएगा। अब देखिए क्या था मैजिक नंबर, 288 18 18 32, फर्स्ट ग्रुप के लिए 288 18 18 32। देखिए कैसे याद करेंगे, पहला हाइड्रोजन का 1 है, इसमें 2 ऐड करिए तो 3 आ जाएगा लिथियम का, लिथियम में फिर 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास सोडियम का 11 आ जाएगा, फिर 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19 पोटेशियम का आ जाएगा, 19 में अगर हमने 18 जोड़ दिया, ऐड कर दिया तो 37 रुबिडियम का आ जाएगा, और 37 में 18 फिर ऐड करेंगे तो सीजियम का कितना आ जाएगा, 55, और 55 में फिर से 32 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रेंसियम का एटमिक नंबर आ जाएगा। तो इसका ग्रुप का क्या हुआ मैजिक नंबर, 288 18 18 32, ठीक है, 288 18 18 32। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या है, बस आप लोग 2 हटा दीजिए और दोनों कॉमन है, ठीक है ना। इसका पहला एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन, जिसका एटमिक नंबर 1 याद होना चाहिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट याद हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे एलिमेंट अगर हमें क्या है ग्रुप वाइज याद हैं तो इसका एटमिक नंबर देखिए कितना ईजी हो जाएगा। बेरिलियम का हमको मालूम है 4 होता है, बाकी का हमको रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग मैजिक नंबर जो ग्रुप टू के लिए मैंने अभी शो किया है आपको उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। पहले ग्रुप के लिए क्या था, 288 18 18 32, तो दूसरे वाले में 2 हटा देंगे, 88 18 18 32 हो जाएगा। तो 88 कैसे, देखिए बेरिलियम 4 है, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो मैग्नीशियम आ जाएगा, है ना, 8 एक बार और ऐड करेंगे तो कैल्शियम का 20 आ जाएगा, 20 में 18 ऐड करेंगे तो 38 जो है स्ट्रॉन्शियम का आ जाएगा, 38 में 18 और ऐड करेंगे तो 56 बेरियम का हो जाएगा, और 32 इसमें ऐड कर देंगे तो रेडियम का आ जाएगा 88। ओके, तो इसका क्या हो गया ग्रुप टू के लिए मैजिक नंबर, 8 8 18 18 32। ओके, ग्रुप थ्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18 18 32, स्कैंडियम का देखिए 21 है, इसमें कितना ऐड कर देंगे 18, तो 39, 21 प्लस 18 39 होता है, जो कि येट्रियम का होता है, और इसमें अगर 39 में हमने 18 और ऐड कर दिया तो हमारे पास 57 लैंथनम का आ जाएगा, ठीक है ना, और लैंथनम में फिर हम 32 ऐड कर देंगे तो किसका आ जाएगा, एक्टिनियम का आ जाएगा। ओके, ये हो गया ग्रुप थ्री के लिए। ग्रुप थ्री में
आपका क्या जाता है एफ ब्लॉक भी आ जाता है नीचे के साइड, वो रहता है, उसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। ये लैंथनम और एक्टिनियम तक के लिए ही ये मैजिक नंबर वर्क करेगा। ओके, अब यहाँ से ग्रुप फोर स्टार्ट हो जाता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफमियम और रदरफोर्डियम। ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये फोर्थ ग्रुप कहलाता है। अब फोर्थ ग्रुप से हमारे पास ट्वेल्थ ग्रुप तक, जो जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये हमारे पास जो है कॉपर, निशियम, ये जो है हमारे पास जो ग्रुप है यहाँ फोर्थ से 13 के लिए कॉमन है। कौन सा क्या है, फोर्थ से 12 के लिए, चार नंबर के ग्रुप से 12 नंबर के ग्रुप के लिए हमारे पास मैजिक नंबर कॉमन है। क्या है, थर्ड नंबर के लिए क्या था, 18, 18, 32, और फोर्थ से 12 के लिए बस थोड़ा सा हम लोग फिर बदल करेंगे, 18, 32, 32 हो जाएगा। मतलब टाइटेनियम में 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40, जो कि जिरकोनियम का नंबर होता है। जिरकोनियम में अगर हम फिर से कितना ऐड कर दें, 32, तो हमारे पास जैसे टाइटेनियम में 32 ऐड करना है, टाइटेनियम 18 ऐड करना है और जिरकोनियम में 32 ऐड करना है, फिर हाफनियम में 32 ऐड करना है। ओके, यानी कि 18, 32, 32, तीन नंबर इसका मैजिक याद करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपको ऊपर के नंबर के एलिमेंट का एटमिक नंबर याद है तो नीचे वाले का आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए टाइटेनियम का कितना है, 22, ये हमें याद होना चाहिए। ऊपर के सारे एलिमेंट का हमको एटमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है ना, तब हम जा करके अप्लाई कर पाएंगे अपने मैजिक नंबर को। तो टाइटेनियम का कितना हो जाएगा, 22 है, हमने 18 ऐड कर दिया तो 40 जिरकोनियम का आ गया, इसमें फिर 32 ऐड करेंगे, 18, 32, 32, तो 32 ऐड करेंगे तो हैफनियम का 72 आ जाएगा, 72 में फिर 32 ऐड करेंगे तो रदरफोर्डियम का 104 आ जाएगा एटमिक नंबर। इस तरीके से अगर हमें ग्रुप वाइज सारे एलिमेंट याद हैं पूरे पीरियोडिक टेबल का, हमको एटमिक नंबर ट्रिक से याद हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसमें भी आप कर लीजिएगा, 18, 32, 32 हमारा 4 नंबर से कहाँ तक है, 12 नंबर तक के ग्रुप के लिए। तो कोई भी आप ले लीजिए ग्रुप, या यही ले लेते हैं 12 वाला ही। तो जिंक का कितना होता है, 30, इसमें 18 ऐड कर दीजिए तो 48 किसका आ जाएगा, कैडमियम का, और मरकरी के लिए 32 ऐड करना पड़ेगा तो 48 प्लस 32 80 होता है, 80 मरकरी का एटमिक नंबर होता है, 80 में फिर से 32 ऐड करेंगे तो फिर कॉपर निशियम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए 80 प्लस 32 112। ओके, ग्रुप वाइज सारे एलिमेंट्स को बस याद कर लीजिए, एटमिक नंबर याद करना आसान हो जाएगा। फिर ग्रुप 13 से 17, ग्रुप 13 क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। ग्रुप 14 क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसका मैंने पूरा न्यूमोनिक्स बताया था पहले वाले लेक्चर में, कैसे बताया था, बैगन, आलू, गाजर, इन थैलास, पूरे पीरियोडिक टेबल का मैंने क्या बताया है, न्यूमोनिक्स बताया है। अगर जिसको देखना हो तो #01 पीरियोडिक टेबल आप लोग बेसिक लेक्चर हमारा देख सकते हैं। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक हमको एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा, ऊपर वाले का हम एक याद कर लेंगे सबका एक एक, और नीचे वाले का हम लोग क्या निकाल लेंगे, ट्रिक से निकाल लेंगे। तो ग्रुप जो 13 है इसके लिए हमारे पास क्या है, मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। ओके, देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसमें 8 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम का 13 आ जाएगा, फिर 13 में हमने 18 ऐड कर दिया तो 31 गैलियम का आ जाएगा, 31 में 18 और ऐड कर दिया तो 49 किसका आ जाएगा, इंडियम का आ जाएगा, और 49 में 32 ऐड कर देंगे तो थैलियम का आ जाएगा, ठीक है ना। एक मैंने यहाँ पे नीचे वाले एलिमेंट्स का छोड़ दिया है, अगर इसके लिए आप और ऐड करना चाहें तो 32 फिर से ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा इसके लिए, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, तो आप बढ़ा सकते हैं, जो मैंने नोट्स दिखाया है उसमें ये नंबर बढ़ा सकते हैं, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, चलिए इसी तरीके से कार्बन वाली फैमिली जो है इसके लिए भी वही कॉमन रहेगा, 8, 18, 18, 32, 32। तो कार्बन में 6 होता है इसका एटमिक नंबर, आप कितना ऐड कर दी, 8, तो 14 किसका आ जाएगा, सिलिकॉन का, सिलिकॉन में आप कितना ऐड कर दीजिए, 18, फिर जर्मेनियम का आ जाएगा, जर्मेनियम में 18 और ऐड कर देंगे तो टिन का आ जाएगा, टिन में 32 ऐड करेंगे लेड का आएगा, 32 और ऐड कर देंगे लेड में तो किसका आ जाएगा, 114 नंबर के एलिमेंट का आ जाएगा, ठीक है ना। फ्लेरो पीएम, इसका भी आपका 32 ऐड करने पर आ जाएगा, मतलब 8, 18, 18, 32, 32। इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली के लिए भी 8, 8 नाइट्रोजन का होता है एटमिक नंबर, 7, 7 में 8 ऐड करिए तो 15 हो जाएगा, 15 में आप और 18 ऐड कर देंगे तो आर्सेनिक आ जाएगा, आर्सेनिक में 18 ऐड कर देंगे तो एंटीमनी का आ जाएगा। ओके, एंटीमनी में 32 ऐड करेंगे तो बिस्मत का आ जाएगा, और बिस्मत में 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास 115 नंबर का जो एलिमेंट है मॉस्कोवियम, उसका एटमिक नंबर आ जाएगा। ये होता है आसान तरीका। ओके, तो ये कॉमन रहेगा था 13 से लेकर के 17 तक के जो भी ग्रुप हैं उसके लिए हमारे पास कॉमन, हमारे पास जो मैजिक नंबर है 8, 18, 18, 32, 32 है। हमारे पास जो 18 नंबर का हमारा ग्रुप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं इसको, या इनर्ट गैस कहते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, हीना, नीना और करीना और करें एक्सरे। इसके लिए क्या है, हमारे पास हीलियम का एटॉमिक नंबर याद है 2, इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 8,
एटीन, देखिए एट एट एटीन एटीन थर्टी टू, थर्टी टू दो से आप गए एट, एट ऐड किया तो कितना आ गया टेन, टेन किसका होता है नियॉन का, फिर एट ऐड कर दिया एटीन किसका हो जाएगा आर्गन का, फिर हमने थर्टी एटीन ऐड कर दिया तो थर्टी सिक्स किसका आ जाएगा क्रिप्टन का, फिर थर्टी टू ऐड किया एटीन ऐड किया तो किसका आ जाएगा जेनन का, फिर थर्टी टू ऐड करेंगे तो रेडॉन का, और थर्टी टू और ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑर्गेनेशन का आ जाएगा एटमिक नंबर। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा मैजिक नंबर एट एट एटीन एटीन थर्टी टू थर्टी टू। तो हमारे पास लास्ट ग्रुप के लिए एट एट एटीन एटीन थर्टी टू थर्टी टू आ जाएगा। अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को मैजिक नंबर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ग्रुप फर्स्ट के लिए क्या था टू एट एट एटीन एटीन थर्टी टू, ग्रुप टू के लिए क्या था एट एट एटीन एटीन थर्टी टू, ग्रुप थ्री के लिए क्या था एटीन एटीन थर्टी टू, ग्रुप फोर के लिए एट एटीन थर्टी टू थर्टी टू, ग्रुप नंबर थर्टीन से सेवनटीन के लिए एट एटीन एटीन थर्टी टू यहाँ पे लिखा। अगर लास्ट वाले ग्रुप के लिए लास्ट वाले पीरियड के लिए आप निकालना चाहते हैं थर्टी टू और ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर एटीन के लिए हमने क्या बताया है एट एट एटीन एटीन थर्टी टू, और लास्ट का जो ऑर्गेनेशन का है अगर उसका भी आपको एटमिक नंबर निकालना है तो यहाँ पे थर्टी टू इसके नीचे और लिख लीजिएगा। आप थोड़ा सा इसको बढ़ा करके सोच समझ के पीरियडिक टेबल लेकर के समझ लीजिए, ठीक है ना। ये मैजिक नंबर आपको एटमिक नंबर को याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके चलिए ये आपका हो गया, इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे और बाद में अच्छे से देख करके समझ लेंगे। ओके चलिए अब हम लोग समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है। ये हमने पीरियोडिक टेबल जब बेसिक लेक्चर बताया था तो बताया था कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है जब इसमें पीरियड वाइज हम आगे चलते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। जैसे कॉपर से छोटा कौन होगा गैलियम होगा, गैलियम से छोटा आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक से छोटा सेलेरियम होगा, या यहाँ ले लीजिए ग्रुप वाइज पीरियड वाइज देखेंगे तो बोरॉन का साइज बड़ा होगा, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा, फ्लोरीन उससे छोटा। तो जब भी हम पीरियड वाइज राइटवर्ड चलते हैं तो हमारे एटम का साइज क्या होता है डिक्रीज करता है। ओके और इस फैमिली की हम बात नहीं करेंगे, जो हमारे पास ये नोबल गैसेज हैं इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ड्रास्टिक इंक्रीज होता है, ठीक है ना। वो क्यों होता है वो सब बाद में हम लोग बात करेंगे, बस यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इस तरीके से हम जाएंगे लास्ट वाले को छोड़ करके, तो हमारा साइज एटम का क्या होता है डिक्रीज होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जैसे जैसे हम राइटवर्ड चलते हैं तो एटमिक नंबर बढ़ता है, एटमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया तो उसका एटम का साइज कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम साइज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एटम का साइज होता है वो क्या होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से हम कहाँ तक की डिस्टेंस लेते हैं। जैसे अगर ये मेरा एटम है तो ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, उससे लास्ट इलेक्ट्रॉन की हम डिस्टेंस को लेते हैं, यही इसका रेडियस होता है, और रेडियस से ही हम क्या निकाल लेते हैं एटम की साइज निकाल लेते हैं। तो राइटवर्ड चलने पे ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, जिससे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेडियस इसका घट जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। मतलब अभी मैं आपको जेड इफेक्टिव समझाऊंगा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके चलिए तो साइज आप लोग समझ चुके हैं क्यों घटता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन ही तो होता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है खींचता है। तो जितनी ताकत से खींचेगा उतने ज़्यादा ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएंगे, और जितना ज़्यादा खींचेगा उतना इसका साइज डिस्टेंस घटता जाएगा। ओके तो राइटवर्ड चलने पे ये जेड इफेक्टिव बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसकी वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है अंदर की तरफ चलता जाता है, इसलिए साइज भी हमारा क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। तो जेड इफेक्टिव के बारे में हम लोग अब समझेंगे। जेड क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम के पास इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे 11, क्यों, क्योंकि इसका एटमिक नंबर क्या है 11 और मास नंबर क्या होता है 23 इसका, लेकिन मास नंबर का अभी कंसर्न इस टॉपिक में नहीं है, हमें किसका कंसर्न है जेड मतलब एटमिक नंबर का, एटमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास 11 होंगे, यानी कि इसके पास क्या है 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा, तो इस 11 जो प्रोटॉन है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके अब मैग्नीशियम पे हम जाएंगे तो मैग्नीशियम के पास क्या होता है 12 एटमिक नंबर होता है, इसका मतलब इसके प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है उसके पास कितने प्रोटॉन होंगे 12, यानी कि इसके पास भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ कहीं होगा, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ये 12 प्रोटॉन और ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ क्या कर पाएंगे पुल कर पाएंगे, जिससे इसका जो डिस्टेंस होगा
कम हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियस कम हो जाएगी। सोडियम के केस में जो 11 प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से नहीं खींच पा रहा था, मैग्नीशियम के केस में और अच्छे से खींच पा रहा है। इसलिए क्या होता है, राइटवर्ड चलने पे आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि पहले सोडियम आता है फिर मैग्नीशियम आता है। ओके, तो सोडियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो मैग्नीशियम से कम होता है, इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है ज़्यादा, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ओके, तो जेड क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड का मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका जेड होता है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग को समझना है। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, जितना भी मतलब प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन का होता है, 1.67 × 10⁻²⁹ कूलम, ठीक है ना, 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम किसका चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम, उसका भी होता है, लेकिन प्रोटॉन का प्लस में लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का माइनस में लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बस प्लस और माइनस ये दिखाता है कि अपोजिट चार्जेस हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि चार्जेस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, लेकिन अपोजिट इन नेचर होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को माइनस से शो करते हैं और प्रोटॉन को प्लस से शो करते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। ओके, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, या न्यूक्लियस चार्ज, इसको न्यूक्लियर चार्ज इसी को बोलते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं, द नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बताता है हमको, कि द नेट अट्रैक्शन फोर्स। अब देखिए यहाँ पे कोई एटम होगा, उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उसका फोर्स इस पे लगना चाहिए, है ना, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ये, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये प्रोटॉन जितना तेज़ी से इसको खींचना चाहिए उसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, उसको ये बाहर रिपेल करते हैं। ओके, क्या करते हैं, देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर भेजना चाहते हैं और प्रोटॉन ये जो है न्यूक्लियस का वो अंदर लेना चाहता है, तो कुछ तो इसका पावर घट जाएगा ना, ठीक है ना, टोटल जितनी तेज़ी से खींच रहा था उससे ये सब कुछ धक्का देने लगे, इसका मतलब जो इसके और इसके बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, द नेट अट्रैक्शन फोर्स, नेट अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स नहीं, अट्रैक्शन फोर्स तो हम थियोरेटिकली मान सकते हैं कि अगर ये मैग्नीशियम का एटम है तो 12 इसके पास प्रोटॉन है, तो 12 प्रोटॉन की ताकत से ये इस इलेक्ट्रॉन को, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन क्या होता है कि बीच में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेज होता है तो रिपेल होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अनलाइक चार्जेज होता है तो अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट तो होना चाह रहा है लेकिन कुछ इसकी ताकत को ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, जानते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू K1Q2/R2। तो यहाँ पे K एक कांस्टेंट होगा और Q1 क्या होता है, इसका चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 क्या होता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन R2, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्टेंस पे, तो जितना डिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स कम होता है, ये सब चीज़ें अलग की बात है, ये फिजिक्स में आप लोग समझेंगे इसको। ओके, अभी के लिए मैंने जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बताया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके न्यूक्लियस चार्ज में से आप खींचने की टेंडेंसी जो है ना उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो ये बाहर रिपेल करने की टेंडेंसी है उसको आप लोग माइनस कर देंगे। ओके, तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, अट्रैक्शन किसका लग रहा है, ये न्यूक्लियस का लग रहा है, रिपल्सन किसका लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स का लग रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये जो बाहर होता है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, थियोरेटिकली हम लोग बताते हैं कि अरे जैसे सोडियम है उसके पास अगर 11 नंबर का ये आइटम है तो इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे, तो थियोरेटिकली क्या है, 11 प्रोटॉन की फोर्स से उसको इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें हम देखते हैं कि पूरा का पूरा फोर्स नहीं लग पाता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको आप लोग क्या करेंगे, बस समझेंगे अभी, ठीक है ना, इसको आप लोग बस समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर चार्ज आप बोले थियोरेटिकली सोडियम का कितना होना चाहिए 11, मैग्नीशियम का कितना होना चाहिए 12 और कैल्शियम का कितना होना चाहिए 20, ये ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर ही होता है, तो इसके पास 11 प्रोटॉन का चार्ज है तो हम इसको 11 प्रोटॉन का चार्ज बोलें या 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलें, बात एक ही है। ओके, चलिए, तो क्या बोला है, बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट
फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस देन कैलकुलेटेड, जो हम ये सोच रहे हैं इससे कम आता है फोर्स, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे लगेगा वो जो हम लोग थेरेटिकली सोच रहे हैं उससे कम लगेगा फोर्स। ओके चलिए, ऐसा क्यों, वाई? आंसर इसका ये है बिकॉज ऑफ जेट इफेक्टिव चार्ज, वही जो मैंने अभी जेट इफेक्टिव पढ़ाया है वही। क्यों कम फोर्स से खींच पा रहा है इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस? क्योंकि इसके बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घट जा रहा है। क्या हो जा रहा है, क्यों घट जा रहा है, मतलब जो जेड इफेक्टिव जेड न्यूक्लियर चार्ज से जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, अगर 12 प्रोटॉन इसको खींचते हैं तो ज़्यादा अंदर चला जाता है, ये थोड़ा सा और अंदर हो जाता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर रहे हैं, इसका मतलब इसका फोर्स थोड़ा सा घट जा रहा है। ठीक है, ओके, तो क्यों साइज क्या पूछा इसने कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट क्यों जा रहा है, वाई? तो आंसर है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, ओके, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो घट क्यों जा रहा है, तो आंसर क्या है, जेड इफेक्टिव चार्ज की वजह से। दोनों में फ़र्क है, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव चार्ज को समझिए आप लोग। न्यूक्लियर चार्ज मतलब जितना प्रोटॉन था उतनी तेज़ी से खींचना चाहिए था, लेकिन ये पाया गया उतनी तेज़ी से नहीं खींच पा रहा, तो क्यों नहीं खींच पा रहा है अपनी तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों उतना नहीं लगा पा रहा है न्यूक्लियस? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो लगता है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं कि इसका न्यूक्लियस चार्ज लगेगा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है। बट इट, चलिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो हम लोग जानते हैं। देयर इज रिपल्सन फोर्स बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है इस पे रिपल्सन फोर्स लगेगा, और जो न्यूक्लियस है उस और बाहर के इलेक्ट्रॉन उस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो नेट फोर्स इज कैलकुलेटेड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है ना। ओके, माइनस रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स किसके बीच में होगा, देखिए नेट फोर्स कैसे आएगा, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होती है और रिपल्सन फोर्स कम होती है इस केस में। देखिए अट्रैक्शन फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, लाइक अनलाइक चार्जेस हैं, और ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से ये सेम चार्जेस हो जा रहा है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब ये बाहर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसको मिल करके क्या करेंगे, बाहर भेजना चाहेंगे। तो नेट फोर्स क्या आ जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा हमेशा ज़्यादा होगा, रिपल्सन फोर्स कम होगा। ओके, द नेट फोर्स इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, जो टोटल नेट फोर्स आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोल देते हैं। चलिए जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ सेल्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसी को बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो हमारा जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। ओके, और सब सेल में सबसे ज़्यादा किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, एस सब सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, या पी सब सेल में है तो उससे कम, डी सब सेल में तो उससे कम, एफ सब सेल में सबसे ज़्यादा कम होता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है, जब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझेंगे डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है, डिफ्यूजिबिलिटी एस की सबसे कम होती है, पी की उससे ज़्यादा होती है, डी की उससे ज़्यादा होती है, और एफ की सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है ना, इधर उधर फैला हुआ होता है, तो एफ में सबसे ज़्यादा जगह होती है और वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होता है। ओके, तो जिसका डिफ्यूजिबिलिटी जितना ज़्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का उतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाएगा। दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, अगर सेल बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, यानी अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। अगर सब सेल में चार सब सेल होते हैं एस पी डी एफ, अगर एस है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, और अगर एफ है तो सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा। समझ में आया, चलिए, इफ़ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज, मोर डिफ्यूजिबिलिटी लेस जेड इफेक्टिव, एस इज ग्रेटर देन, पी इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन एफ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप और देखिए, चीज़ें समझिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, कंपेयर, ये कह रहा है कि अब कंपेयर करिए, ये जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसेल्स सबसेल्स लोअर, ये मैंने अपने तरफ से ही लिख दिया है कि अगर क्या है कि कम सबसेल होगा, मतलब देखिए क्या होता है, सबसे छोटा सबसेल कौन होता है, एस, उससे बड़ा पी, उससे बड़ा डी, उससे बड़ा एफ, तो हम लोग जानते हैं कि एस सबसेल कैसा होता है, सिर्फ उसमें एक ऑर्बिटल होता है इस तरीके से, है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सबसेल कैसा होता है, इसमें तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, छः इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टी सबसेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं, है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ सबसेल में
सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा एफ वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है, डी वाला उससे कम, और पी वाला उससे कम, और एस वाला सबसे कम डिफ्यूज़ होता है। तो एस सबसेल में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, डी पी में उससे कम, डी में उससे कम, और एफ में सबसे कम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, और सब सेल में इस तरीके से रिलेशन है, एस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है और एफ में सबसे कम होता है। ओके, तो कह रहा कंपैरिजन जेड इफेक्टिव ऑर्डर अमंग दीज, इन सारों में हमको क्या बताना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ था 1s 2p 3s 3d ऐसे करके रैंडमली दिया हुआ था, तो हमने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया, बस आप लोगों को समझाना है। अभी क्वेश्चन आंसर हम लोगों को नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर अलग से मैं उसके लिए लेक्चर बनाऊंगा, और कंप्लीट आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन आता है अच्छे लेवल का अलग अलग पैटर्न के वो सब मैं करा दूंगा, क्वेश्चन बीच में ज़्यादा नहीं कराऊंगा, उतना ही कराऊंगा जो समझने में हेल्प कर दे। तो क्या है देखिए, 1s की सबसे ज़्यादा क्या होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के एस सबसेल में है तो उस पर न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा पकड़ होगा, ठीक है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम से जल्दी निकलना नहीं चाहेगा, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी हम लोग को देनी पड़ेगी। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी वगैरह आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि अगर पहले वाले सेल में एस सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा, दूसरे के पी में है तो उससे कम लगेगा, तीसरे के डी में है तो उससे कम लगेगा, चौथे के एस में है तो इससे भी कम लगेगा, पांचवें के चौथे के पी में है तो उससे कम लगेगा, पांचवें के डी, ऐसे बढ़ता मतलब घटता चला जा रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जैसे जैसे सेल बढ़ता है, वन से बड़ा टू है, टू से बड़ा थ्री है, थ्री से बड़ा फोर है, फोर से बड़ा फाइव है, फाइव से बड़ा सिक्स है, तो घटता चला जा रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन बीच में देखिए कुछ कॉमन आ जा रहा है, सेल तो सेम है, देखिए फोर फोर सेम हो गया, फाइव फाइव सेम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग 4s को पहले ले रहे हैं, फिर 4p को, फिर 5d, 5d और 5f में 5d को पहले ले रहे हैं और 5f को बाद में ले रहे हैं, यानी कि 4p का ज़्यादा होगा, 4s का ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की न्यूक्लियस की टेंडेंसी ज़्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन को जो 4s में है, और 4p में जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की टेंडेंसी न्यूक्लियस की कम होगी। ऐसा क्यों हो जा रहा है, 1 और 2, 3, 4, 5 इसमें तो समझ में आ रहा है क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, ओके, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा। तो अभी मैंने बताया है कि देखिए एस की सबसे ज़्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, एफ की उससे कम, तो 4s 4p से क्या है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 4 है वो दोनों का बराबर है, लेकिन एस और पी में जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो एस की जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किससे ज़्यादा है, पी से, इसलिए दोनों में कंपैरिजन किया तो हमें 4s का ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिला 4p के कंपैरिजन में। इसी तरीके से 4 का 5 से तो ज़्यादा होगा इसलिए ये पहले आया, लेकिन 5 और 5 में ये देख रहे हैं, 5d और 5f में तो डी का जो होता है डिफ्यूजिबिलिटी एफ से कम होती है, इसलिए डी में क्या होगा ज़्यादा हमारे पास क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा 5f के मुकाबले। अब इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि जो 5 है वो 6 से छोटा है, इसलिए इसमें क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो सेल जब बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, और SPDF के केस में मैंने समझा दिया कि S की सबसे ज़्यादा, P की उससे कम, D की उससे कम, और F की सबसे कम होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस एस, जेड क्या है हमने यही बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, ओके, माइनस एस क्या है, वेयर एस इज इनर इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जेड मतलब आप एटमिक नंबर भी सोच सकते हैं, ओके। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज इन अ पीरियड, क्योंकि एटमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं किसी भी एटम में, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज इन अ पीरियड, जब जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है, एक पीरियड में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो सेकेंड पीरियड के ये सारे एलिमेंट हैं, इनमें अगर हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो लिथियम का हम जानते हैं एटमिक नंबर 3 होता है, तो इसका जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 3, माइनस इनर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया 1, ओके। बेरिलियम के केस में क्या होता है, इसका एटमिक नंबर 4 होता है तो जेड 4 हो गया, इसके इनर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, 4 - 2 = 2। बोरॉन के केस में 5 होता है इसका एटमिक नंबर, यानी जेड 5 हो गया, माइनस एस कितना हो गया 2, इनर इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 2 होते हैं। अच्छा ऐसा क्यों होता है, इनर इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 ही क्यों आ रहा है, तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे लिथियम का हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s1 होता है, ओके। तो लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना है, हम एटॉमिक नंबर तो पूरा 3 लेंगे, ओके, लेकिन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको नहीं लेंगे, तो यानी इनर इलेक्ट्रॉन कितना बचा 2, तो 3 - 2। उसी तरीके से बेरिलियम में हमने लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आया 1s2 2s2, तो इसका जो जेड होता है
इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसलिए इसको जेड माइनस एस करना है, तो जेड 4 हो गया। माइनस एस 2 क्यों आया है, ठीक है ना, इसके इसलिए आया है कि ये तो इनर इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा, ये लास्ट सेल में है ना, ये इसको हम लोग कभी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे पहले वाला होता है, ठीक है ना, सेल से बड़े वाले सेल से अंदर वाला जो भी होगा वो इनर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो 4 इसका एटॉमिक नंबर है, माइनस 2 इसका जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसको कर दिया, तो इसका क्या आया 2। अब देखिए 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, ठीक है, तो 2 बड़ा है, इसलिए बेरिलियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो लिथियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है, तो लिथियम का साइज बड़ा होगा और बेरिलियम का साइज छोटा होगा। इसी तरीके से बोरॉन में सोच सकते हैं, कार्बन में भी सोच सकते हैं। बोरॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो जेड इसका कितना हो जाएगा 5, और इनर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। देखिए कैसे, -2 2s2 2p1, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके इनर इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाएंगे, ये 1s2s नहीं, ये तो 2 पूरा कंप्लीट सेल है, लास्ट सेल को ही हम क्या काउंट करते हैं, nth सेल, मतलब ये यही इसका लास्ट सेल है। इसके इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देखेंगे, टोटल देखेंगे जेड कितने नंबर ऑफ, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5, माइनस इनर इलेक्ट्रॉन क्या है 2 से छोटा वाला सेल 1 है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 5 - 2 = 3। इसी तरीके से कार्बन का जब लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p2, इस तरीके से कुछ आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा देखेंगे, 6 ही होता है इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा, 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सिर्फ फर्स्ट सेल में है, सेकंड वाले को हम नहीं इनर बोलेंगे, ओके, सेकंड के एस को मत बोल दीजिएगा, कि सेकंड का पी आउटर है और सेकंड का एस इनर है, नहीं ऐसा नहीं होता है, दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके इनर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, तो 6 - 2 = 4। तो देखिए यहाँ पे 1 है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो इसी तरीके से नाइट्रोजन का निकालेंगे 5, ऑक्सीजन का भी कुछ वगैरह। तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे चलते जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, घटता है। तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा, उससे कम बेरिलियम, उससे छोटा बोरान, उससे छोटा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, उससे छोटा, फिर उससे छोटा ऑक्सीजन, फिर उससे छोटा फ्लोरीन। ये कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार और बैक करके देख ले। अगर मेरा आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं तेज़ चल रहा हूँ, तो अभी तेज़ चलने दीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ देखना है। अभी जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे मूव करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं, वहाँ पे मुझे टाइम देना है। अब मैं आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन चैप्टर जो हो गया, और ये जो पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़, ये जो चैप्टर्स हैं, इन सबको मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इसका रीज़न है, ये सब बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको टाइम ज़्यादा कहाँ देना है, फिजिकल केमिस्ट्री में देना है। अभी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक का है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स, गैसियस स्टेट यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन सबों पर हम लोग को बहुत टाइम देना है, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करा रहा हूँ। तो बच्चों आप लोग पेशेंस रखें, मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के करा रहा हूँ, और आप लोग को थोड़ा एडवांस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना, पेशेंस रखिए, थोड़ा तेज़ मुझे चलने दीजिए। आप लोग बैक करके देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को बहुत तेज़ लगता है तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जा करके उसकी स्पीड को 1 से वो बढ़ा भी सकता है, 1.25 1.5 कर सकता है, या घटा भी सकता है। अगर बहुत तेज़ स्पीड लग रही हो तो उसको घटा लीजिए, 0.75 पे कर लीजिए, आपका स्पीड कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन अ ग्रुप। अब हम ग्रुप में देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन लिथियम, पीरियड में देखना तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है जिसकी वजह से साइज घटता है, लेकिन अगर एक पीरियड में देखेंगे, एक ग्रुप में देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, या तो क्या होता है डिक्रीज करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो कई लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोल देते हैं, तो चलता है, ठीक है, इसमें हम लोग को ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ग्रुप में हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा नहीं कुछ देखना है, हमको पीरियड में ही देखना रहता है, ओके। इफ़ वी कंसिडर डिक्रीज इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। क्यों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोल दिया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग देखते भी हैं कैलकुलेट करके, उसका जो फार्मूला वगैरह लगा के सब चीज़ देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो डिक्रीज आ भी रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब एक आ गया मेरे पास कॉन्सेप्ट छोटा सा, शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे जो न्यूक्लियस होगा वो सेम वही चीज़ है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है और इनर इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना चाह रहे हैं, यही शील्ड कर रहे हैं, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग जेड इफेक्टिव में थोड़ा सा समझ भी चुके हैं, तो शील्डिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट
इलेक्ट्रॉन्स, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, सील्ड करते हैं, इसी को सील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में तो ये सारी चीज़ कंसिडर हो गई थी, लेकिन सिर्फ सील्डिंग इफेक्ट कहें तो हम क्या बोलते हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो इसको धक्का देना चाहते हैं, आने नहीं देना चाहते, रिपेल करना चाहते हैं, तो यही क्या हो जाता है, सील्डिंग इफेक्ट। तो इसका क्या हमारा ये हो गया, इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ सील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए सील्डिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन का काम ही क्या है कि सील्ड करना, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट, इस वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको सील्ड करने का काम कौन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा चार्ज जाने नहीं दे रहा है। मतलब आप समझिए कि जैसे ये गवर्नमेंट है और ये कोई मजदूर है, तो ये गवर्नमेंट जो है अपनी कोई स्कीम निकाली, जैसे हर मजदूर को 10,000 रुपये देना चाह रही है, ठीक है ना, तो 10,000 रुपये देना चाह रही है, लेकिन बीच में कौन है, मीडिएटर, मीडिएटर क्या कर रहा है, उसमें से 200 रुपये खा जा रहा है, इसका मतलब इसके पास पूरा का पूरा पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। यही आप चार्ज के बेसिस पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। ये देना तो बहुत ज़्यादा चाह रहा है इसको, मतलब अपने बहुत फोर्स से खींचना चाह रहा है, लेकिन ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे हैं, इसको रिपेल करके इसका फोर्स इस पर पूरी तरीके से लगने नहीं दे रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स का सील्डिंग इफेक्ट। सो इनर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सील्डिंग इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन को हम और क्या कह सकते हैं, ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम और क्या कह सकते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट, और इसी इफेक्ट को जो रिपेल करने वाली टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स के, इनर इलेक्ट्रॉन्स की, इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं। ओके, तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।